तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यूट्यूब पर गेमिंग कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ या फिर वो रिव्यू देता हूँ। पर फिर भी अगर पैसे कमाने होते ना तो फिर मैं यूट्यूब चैनल तो करना ही होता, थोड़ा सा आसान जॉब है। बच्चों ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करना। टू बी ऑनेस्ट मेरी फेवरेट है रोब्लॉक्स। अब मेरे पास गल्ला है, उसमें मैं उम्र के पैसे जमा कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मुल्तान टुडे के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट नायाब। आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं और एक ऐसे बच्चे से आपकी मुलाकात करवाना चाह रहे हैं जो हज़ारों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से। एक ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं वो जिससे दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं। और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी का बेटा है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। राइटर हैं और साथ ये अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, एम एस आबिद, ये उनके माशाल्लाह फर्जंद है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आइए आपके उनसे मुलाकात करवाते हैं। बेटा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पढ़ते हैं आप? जी मैं पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? मशरक इंटरनेशनल स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन है। अच्छा, आप यूट्यूब पर क्या करते हैं? मैं यूट्यूब पर गेमिंग कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ या फिर वो रिव्यू देता हूँ। मोस्टली गेमिंग होती है। तो ये आपके माइंड में कैसे आया कि मैं यूट्यूब को मतलब ज्वाइन करूँ, यूज़ करूँ, कैसे आया माइंड में? मैं ना छोटे ना, मुझे ना दानी भाई ने ना, मेरा भाई है वो, उसने ना मुझे यूट्यूब दिखाया था। फिर मैं देखने लगी, पर फिर मैंने गेमिंग वाले वगैरह में आ गया ना, फिर मैंने वो देखने लगी, इससे मुझे उससे इंग्लिश भी आ गई। मैंने ये भी उस वो मैं भी उसमें शुरू हो गया। तो आपको एक दफ़ा एक चीज़ दिखाई और आप उसमें इंटरेस्ट ले लिया, ऐसा ही है? कितनी मतलब टाइम आप गेम्स उसमें खेलते हैं, कितना टाइम यूज़ करते हैं यूट्यूब को? ये बस मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत टाइम लेता हूँ। 2 घंटे 3 घंटे किस तरह? फिर स्टडी भी करनी होती है, स्कूल भी जाना होता है, एकेडमी भी है, कुरान पाक भी पढ़ते होंगे, खाना भी खाते हैं, सब कुछ। कैसे टाइम मैनेज करते हैं सारा कुछ? मुझे ना जैसे सुबह उठ के मैं बहुत मुझे मतलब बहुत फ़ोन चलाता हूँ, मैं तो गिन भी नहीं सकता। पर फिर भी मुझे जैसे होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मुझे पहले ही सब कुछ आया होता है अपनी एक्सपीरियंस से। आज भी पढ़ता मैं और कल में भी मुझे सारे होते हैं। कौन कौन सी गेम्स इस यूट्यूब के अलावा और भी कोई गेम्स हैं जो आप उसको करते हो, प्ले करते हो या दूसरों को बताते हो बच्चों को? टू बी ऑनेस्ट मेरी फेवरेट है रोब्लॉक्स। बहुत अच्छी गेम है और उसमें रोल प्ले भी कर सकते हो, फाइटिंग भी कर सकते हो। उसमें जैसे आर्केड है जिसमें छोटी छोटी भरी भरी गेम्स हैं। बल्कि तो कितना टाइम हो गया आपको यूट्यूब यूज़ करते हुए? मुझे छोटे हुए से। आप छोटे थे, आप इससे भी ज़्यादा छोटे थे। कितने छोटे थे आप? बहुत तेज हो रहा है। जैसे 3-4 साल का। अच्छा, तो नन्हे से दिमाग में है, ये वही बात हो गई। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह छोटा सा मासूम बच्चा है, कि ये और बच्चों को क्या मैसेज देंगे, क्या वो भी ये यूट्यूब यूज़ करें, किस तरह से कर सकते हैं? मतलब मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा यूट्यूब इस्तेमाल करें क्योंकि मुझे पता है आंखें भी ख़राब हो सकती है। मेरे जैसे इतना नहीं चलाया करो, पर फिर भी मज़ा आता है मुझे करने के लिए। पर फिर भी अगर पैसे कमाने होते ना तो फिर मैं यूट्यूब चैनल तो करना ही होता, थोड़ा सा आसान जॉब है। जॉब है, पॉकेट मनी नहीं मिलती आपको? जी बहुत मिलती है। फिर आपको पैसे कमाने हैं? अब मेरे पास गल्ला है, उसमें मैं उम्र के पैसे जमा कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और आपके जो और फ्रेंड हैं वो भी यूज़ करते हैं यूट्यूब वगैरह, चैनल उनके भी बने हुए हैं? उनके नहीं, चैनल मेरा स्कूल फ्रेंड मुसहफ के पास है। बच्चों ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करना, सिर्फ अगर मम्मा पापा से इजाज़त लेके करना है, वरना तो आंखें ख़राब भी हो सकती हैं, फिर देख नहीं पाओगे। तो नाज़रीन आपने देखा कि एक यूट्यूब यूज़ करने के साथ साथ स्कूल पढ़ने के साथ साथ एक फरमाबरदार बच्चा भी है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद फरमाबरदार करे, क्योंकि माँ बाप का टोटल सरमाया जो होता है वो उनकी औलाद ही होती है, और जो इसके अंदर टैलेंट है वो अपने वालिद से ही है, ये हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।